गम मातम चीत्कार, तुर्की और सीरिया के भूकंप प्रभावित शहरों का यही मंजर है जो दिल को झकझोर देगा। आलिशान मकानों के मलबों के बीच लोगों के आंसू हैं, अपनों को खोने का दर्द है और इन्हें देखना और सहना यकीनन बहुत मुश्किल है। जहां बच्चों की किलकारियां गूंजती थी वहां बच्चों के खिलौने पड़े हैं, जहां खुशियां हिलोरे मारती थी वहां आंसुओं का सैलाब है। जहां जिंदगी के रंग बिखरे हुए थे वो बर्बादी अपने बदरंग रूप में सामने आ चुकी है, लेकिन बर्बादी के बीच जिंदगी की जंग अब भी जारी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते होंगे मलबे के बीच बच्चे खेल रहे हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 8,000 को पार कर गई है। इस बीच हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जो जिंदगी की खूबसूरती को बयां करती हैं। ये विनाश के बीच चमत्कार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें सीरिया की हैं। विनाश के बीच जिंदगी की किलकारी गूंज रही है। स्थानीय न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मकान गिरने से जख्मी एक महिला ने कल एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के बाद ही बच्ची की मां की मौत हो गई। ये तस्वीर तुर्की के शहर हताय की है। इस्तांबुल से आई रेस्क्यू टीम यहां मलबे में फंसे बच्चों की जिंदगी बचा चुकी है। सीरिया शरणार्थी लड़के मोहम्मद अहमद को जब पानी दिया गया तो मासूम के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। महाविनाश के बीच चमत्कार की एक और तस्वीर देखिए। सीरिया के जंदारिस में नूर नामक लड़की को रेस्क्यू टीम ने जिंदा बचा लिया। इस लड़की का नाम नूर है। मलबे के बीच ये फंसी हुई थी और कई घंटों की मशक्कत के बाद इस लड़की को मलबे में से जिंदा बाहर निकाला गया। मासूम की जिंदगी जब बची तो चेहरे की खुशी देखने लायक थी, लेकिन मौत, दर और मातम पूरे सीरिया और तुर्की में इस वक्त फैला हुआ है। बर्बादी के बीच ये जिंदगी की खूबसूरत तस्वीर है। तुर्की के हाताय में रेस्क्यू टीम ने मलबे में फंसे एक बच्चे को ढूंढ निकाला। इस्तांबुल आई रेस्क्यू टीम ने सीरिया शरणार्थी मोहम्मद अहमद को जब पानी दिया तो मासूम के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। विनाश के बीच जिंदगी की किलकारी की ये तस्वीर सीरिया के जंदारिस की है। बर्बाद मकानों के बिखरे ईंट, पत्थर और सरिये के ढेर में लोगों को तलाशती रेस्क्यू टीम को नूर नाम की यह जीवित लड़की मिल गई। वो सीने तक मलबे में दबी हुई थी। नूर का चेहरा धूल से सना हुआ था, लेकिन रेस्क्यू टीम को देखते ही उसके चेहरे पर नूर लौट आया। يا عم نور حكي البابا حكي ايوه ما شاء الله ما شاء الله هيك البابا حكي يا بابا حكي يا بابا الحمد لله على السلامه يا عمو الحمد لله على السلامه يا عمو। विनाश के बीच चमत्कार का ये वीडियो भी सीरिया के शहर जंदारिस का है। रेस्क्यू टीम ने कल यहाँ तीन बच्चों को मलबे से सुरक्षित निकाला। देखिए किस कदर सरिये को काट कर बच्ची को बचाने की कोशिश चल रही है। जब रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही थी तो वहाँ मौजूद लोग खुदा से दुआ कर रहे थे। और फिर आया वो लम्हा जब बच्ची को मलबे से निकाला गया और पूरा इलाका अल्लाहु अकबर के नारे से गूंज उठा। यल्ला या अम्मू अल्हम्दुलिल्लाह सलाम या अम्मू अल्लाहू अकबर जंदारिस में रेस्क्यू की एक और तस्वीर है। छत के मलबे में ड्रिल कर बच्ची को निकाला गया। ये तस्वीर तुर्की से आई। तुर्की का वायरल वीडियो इस शहर का है, फिलहाल तो नाम नहीं पता। रेस्क्यू टीम जब यहाँ मलबे में जिंदगी की तलाश कर रही थी तो बच्चा सोता हुआ मिला। बच्चा इस कदर बेसुध सोया था कि उसे तबाही का पता भी नहीं था। रेस्क्यू टीम ने जब उसे जगाया तो वो पूछने लगा क्या हो रहा है।
7.8 तीव्रता के भूकंप से मचे विनाश के बीच ये जिंदगी की खूबसूरत तस्वीरें हैं जो उम्मीद बढ़ाती है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आज तक ब्यूरो। तुर्की से सीरिया तक दर्द का एक दरिया सा बह रहा है। जिन शहरों में भूकंप की सबसे बड़ी मार पड़ी है वहां दर्द और मातम है। वहां से आ रही तस्वीरें कलेजे को चीर देने वाली हैं। देखिए, भावुक कर देने वाली तस्वीरों पर यह रिपोर्ट। गिरे हुए आशियाने, बिखरे हुए मलबे और विनाश लीला का मातम करते लोग। भूकंप से हुए विनाश की ये तस्वीर तुर्की के हाताई शहर की। कभी यहां छोटे बच्चों की किलकारियां गूंजा करती होंगी, लेकिन अब यहां बच्चे नहीं हैं, उनकी प्यारी सी गुड़िया है जो बर्बादी के बीच सही सलामत है। भूकंप से हुई बर्बादी की खबर सुनकर लोग हाताई पहुंच रहे हैं अपनों की खोज खबर लेने के लिए। जिन्होंने इस आपदा में अपनों को खोया है उनके लिए दर्द सह पाना मुश्किल हो रहा है। आलिशान बिल्डिंग के मलबे पर रोते पिलखते शख्स को देखिए। शायद ये उसका घर रहा होगा, लेकिन अब तबाह बर्बाद हो चुका है। उसका साथी उसे ढांढस बंधा रहा है, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि उसके लिए ये झटका सहना मुश्किल हो रहा है। झुके हुए कंधे, नम आंखें, चेहरे पर चिंता, हाताई की ये तस्वीर पूरी दुनिया में पहुंच रही है। हाताई तुर्की का वो शहर है जहां 7.8 तीव्रता वाले भूकंप से सबसे ज्यादा विनाश हुआ है। उत्तर पश्चिम में सीरिया से सटे तुर्की के इस प्रांत में भूकंप से करीब 1,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक करीब 4,00,000 सीरियाई शरणार्थियों वाले हाताई में 1,200 से ज्यादा इमारतें भूकंप से नष्ट हो गई हैं। इस महिला को कोई कैसे सांत्वना दे पाएगा जिसने विनाशकारी भूकंप में अपनों को खो दिया। शव के साथ चीत्कार करते लोगों को देखकर पत्थर दिल इंसानों का कलेजा भी पिघल जाए। कोई अपनों के शव से लिपट कर रो रहा है तो कोई अपने आशियाने के मलबे पर सिर टिकाए अपनी बर्बादी का मातम मना रहा है। सबकी देह भाषा एक है, अब कुछ नहीं बचा। भूकंप ने सब बर्बाद कर डाला। तुर्की के कहराम नमारास की ये तस्वीर देखिए। ईंट पत्थर सरिये के मलबे के ढेर पर खाना पकाने की तैयारी चल रही है। महिला जब कैमरे को देखती है तो आंखों से बहते आंसुओं को छुपा लेती है। ये शख्स सूनी आंखों से रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहा है। सामने मलबे में फंसा एक शव नजर आ रहा है। इस महिला के लिए उस वक्त खुद को संभाल पाना मुश्किल हो गया जब उसे किसी अपने के पार्थिव शरीर का सामना करना पड़ा। यकीनन इस दर्द को सह पाना मुश्किल है, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। बेजुबान के साथ गम भुलाने की कोशिश करती ये लड़कियां हों या फिर विनाश के ढेर पर खेलते बच्चे। विनाश के बीच भी जिंदगी जारी है, यही जीवन की खूबसूरती भी है। आज तक ब्यूरो।